गुम है किसी के प्यार में शो की लीड एक्ट्रेस आयशा सिंह को अनफॉलो करने का ये है वो बड़ा रीज़न। नील भट्ट ने एक बार फिर किया आयशा सिंह के साथ बड़ी लड़ाई। तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों आयशा सिंह और नील भट्ट में एक बार फिर दूरियाँ बढ़ गई है और गुम है किसी के प्यार में शो से निकलने के बाद भी इन एक्टर्स की लड़ाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐश्वर्या शर्मा के बाद अब नील भट्ट ने भी आयशा सिंह को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है, जिसके बाद से ही आयशा के फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि क्या है वो बड़ी वजह जिसके चलते ये सारी लड़ाइयाँ चलती जा रही हैं। वैसे आपको बता दें ये लड़ाई शुरू हुई थी ऐश्वर्या शर्मा के साथ और यही वो बड़ी वजह है ऐश्वर्या शर्मा और आयशा की लड़ाई में। अब नील भट्ट ने आयशा सिंह को अनफॉलो कर दिया है और अपने सारे ही रिश्ते तोड़ दिए हैं। फैंस जहाँ पर एक तरफ नाराज़ है तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नील भट्ट को प्रोफेशनली बिहेव करना चाहिए एज एन एक्टर। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो तो आप बीबी की लड़ाई को लेकर नहीं चल सकते हो। ऐश्वर्या शर्मा की लड़ाई की वजह से अगर आयशा सिंह को अनफॉलो किया है नील भट्ट ने तो ये उनके लिए बहुत ही खराब होगा और नुकसानदायी होगा। फिलहाल के लिए तो ये है वो बड़ा रीज़न। नील भट्ट ने साफ किया है कि अगर ऐश्वर्या शर्मा के साथ उनकी लड़ाई हुई है तो वो भी आयशा सिंह के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए आपका क्या है ओपिनियन, क्या लगता है आपको आयशा सिंह को अनफॉलो करना सही है या फिर आपको लगता है कि नील भट्ट को एज एन केमिस्ट्री सैराट के फैंस दिल नहीं तोड़ना चाहिए था, उनको इंस्टाग्राम पर अनफॉलो नहीं करना चाहिए था? लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब।